चमा टोकरी माया अक्षर सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू साथ से करवाएंगे रूबरू। इस समय हम हरी पैलेस के बाहर जो पुलिस नाका है वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पीछे देखिए इस तरफ एक काफ़ी तादाद में जानवर लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या इनका प्रॉब्लम है, आइए इनसे पूछते हैं। एक मिनट आ जाइए थोड़ा। सर ये हम रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं, ये इतने मवेशी कहाँ जा रहे हैं सर? ये कोई सनासर में जा रहे हैं, कोई बुधवा में सर, अच्छा कोई जा रहे हैं, अच्छा उधर रामगढ़ ऊपर, अच्छा कोई नथाटा, अच्छा सारे हम इधर जा रहे हैं। थोड़ा सेट आन जान दो। तो इसमें कोई परमिशन होती है? परमिशन हमारे को, हमको ऑर्डर है ये। अच्छा ये राहदारी का ऑर्डर है हमारे पास। अच्छा जी सर, ये राहदारी का ऑर्डर है हमारे पास। ये इनके पास ऑर्डर है, एक बार दिखाइए इनको एक बार। ये हमारे पास ऑर्डर है जाने का। तो अगर जैसे आप इनको लेके जा रहे, कितने मवेशी हैं ये टोटल? ये कोई कम से कम हमारे कोई 70-80 डेरे हैं। अच्छा किसी की 20 बैसे, किसी की 25, किसी की 15, किसी की 10, जैसे जैसे हमारे डेरे ना। तो टोटल क्या आपके हिसाब से कितनी कोई 5-10 हज़ार हैं या कितने? नहीं नहीं नहीं, ये होगा कोई समझो 1000-1500, 70-80 डेरे हैं। अच्छा हाँ 1000-1500, किसी की 100 भैंस है, किसी की 50 है, किसी की 20 है, किसी की 10 है। अच्छा। जैसे जैसे हम है ना, कोई गरीब है, कोई अमीर है बेचारा। जैसे कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? अभी हम आ रहे हैं आरसपुरा से। अच्छा ये सारी जितने भी मवेशी हैं या जितने भी ये फैमिली के लोग हैं, ये सभी आरसपुर से आ रहे हैं? सब सब, कोई सोनीसर जा रहा है, कोई भद्रवाह। बस 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 हाँ सर। अच्छा मोमेंट जा रही है। तो इन केस अगर रास्ते में जैसे वो ट्रैफिक जाम हो जाएगी उसके लिए कोई? नहीं सर, हम रात को चलते हैं, अभी हम नुकरोटा में दिन को ठहरेंगे, उधर से 12 बजे से बाहर चलेंगे। अच्छा ठहरेंगे हम जजर कोहली के आस पास में। अच्छा अभी आप यहाँ से जो आपकी मुंबड़ी जा रही है, ये कहाँ जाकर? ये इधर ही बाईपास के साथ ही आगे थोड़ा, नुकरोटा से भी थोड़ा पीछे। ठीक है, आप देखिए ये मैंने आपकी इनसे बात, रफ्तार जम्मू के साथ हमने इनसे बात कर ली है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई ऑर्डर भी है, लेकिन इन्होंने पर्चा दिखाया है। अब ये देखिए आप किस तादाद में लिए जा रहे हैं मवेशी यहाँ से, इनकी मूवमेंट है, ट्रैफिक जाम भी लगना शुरू हो गया है। ये लोग कहते हैं कि हम रातों रात मूव करते हैं, आज रात नगरोटे के पास कहीं रुकेंगे। बहुत बड़ी मूवमेंट है मवेशियों की। ये लोग जीने नहीं देते सर, ये हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत गुनाह रहा है। ये कश्मीर में माल काटने के लिए जा रहा सर, ये माल के साथ जुल्म होगा सर। ये जानवर है बेचारे। अच्छा। इनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जी। हमारी सरकार मोदी जी है पीछे, हम बीजेपी के बंदे हैं, हमने कांग्रेस को वोट नहीं देते, हम बीजेपी को देते हैं। उनको कुछ करना चाहिए प्लीज। जय माता जी। सर ये कहाँ जाके रुकेंगे आप लोग? ये भैया भाई बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। एक आदमी था इनका जिनसे हमसे बात की। देखिए देखिए मवेशी जा रहे हैं, किस कार्यवश जा रहे हैं कोई मालूम नहीं है, लेकिन चल रहे हैं, इनकी मूवमेंट चल रही है। ये पुलिस नाका है हरी पैलेस के बाहर, यहाँ से ये लोग मूव कर रहे हैं। सर बात करेंगे? नहीं, इनमें से कोई भी लोग हमारे से बात करने के लिए नहीं आगे आ रहा। सब एक आदमी आया था सबसे पहले, उसने हमारे से बात की थी। हेलो कौन सा है? हेलो कुछ हाँ सर, ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ से मवेशियों की, इसकी जानकारी आपको पहले थी? नहीं आपको जानकारी नहीं थी, मतलब कि ये एकाएक आ गए हैं? हमें क्या मालूम कहाँ से आए जी, हम तो इधर खड़े हैं।
नहीं आपके मतलब ऊपर अधिकारियों ने कोई मैसेज नहीं दिया कि इस तरह से ये मूवमेंट हो रही है यहाँ से? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया अभी तक आपको? तो इनको और मतलब कोई रोकने की कोशिश या पूछने की? क्योंकि एक ही इनका बंदा है जिसने बात की है, लेकिन बाकी ये जितने लोग जा रहे हैं कोई भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नहीं, को पता है, आई? ना ना मेरी तो कुछ कुछ नहीं इसके बारे में। तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब? अभी अचानक ही आए, फिर हमने अपने अपने सीनियर अफसर को सुना दिया फोन करके आपके। तो वो क्या कह रहे हैं आपके सीनियर अफसर? वो कह रहे हैं इनके राहदारी जो डेरे जाते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, डेरे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, डेरे तो ये जाते हैं हर साल, अभी पिछले एक तकरीबन 10 दिन पहले भी गए थे इसमें कोई पैसे। हाँ चलो ठीक है। बाकी अगर गाड़ी शाड़ी में ऐसे कहीं चोरी छपा अगर लेके जाएंगे तो उसको हम पकड़ते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी जो पैदल मार जाता है इसके लिए हमारे नहीं, इनके थे ना वो कोई सबसे पहले निशान लगे। हाँ। निशान लगा कर देख लो ना, निशान लगा कर। अच्छा। हाँ, इनका पुलिस विभाग का कहना है कि हर एक जो मवेशी है इस पर एक निशान लगाया गया है, निशान लगाया गया है, और जो इनको लेके जा रहे हैं ये मूवमेंट है इनकी, ये आर एस फोरेस से आए हैं, सनासर जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम भद्रवाह जाएंगे, कुछ और किसी इलाके में जाएंगे। गाड़ियां आ रही हैं इधर से लिखाएं एक मिनट, यहाँ पे कुछ मवेशी शायद फंस गए हैं, एक बड़ा ट्रक मवेशी यहाँ फंस गए हैं। ये देखिए, ये ट्रक यहाँ पे नाके पे खड़ा है, मवेशी दाएं बाएं से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। ये देखिए पीछे, यहाँ थोड़ा पीछे से लेना है। ट्रक बीचों बीच खड़ा हो गया है, मवेशियों को निकाला जा रहा है। एक लंबी कतार जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जो लोग जिनने सबसे पहले हमारे से बात की थी, एक तो कोई थे इनके, उन्होंने कहा था नियर अबाउट कोई 1000-1200 होंगे ये, लेकिन ये इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा तादाद में है ये मवेशी। अंधेरा भी यहाँ पे काफ़ी है, पुलिस विभाग से भी हमने बात की, उनका कहना है कि ये लोग रेगुलर आ रहे हैं, थोड़े दिन पहले भी इनकी मूवमेंट हुई थी। जो नाके पे पुलिसकर्मी थे उनका कहना है कि हमें इनके बारे में जानकारी नहीं थी, एक एक ये लोग आ गए हैं, हमने अपने आला अफसर को इसकी सूचना दे दी है। ये देखिए आपके सामने आपको दिख रहा है इनके मूवमेंट, मवेशियों को आरएसपुरे से लाया गया है। कहना है कि कुछ सुनीसा जाएंगे, कुछ भद्रवाह जाएंगे, कहां कहां जाएंगे कोई पता नहीं। ट्रैफिक रुक गई है, पहले मवेशी वगैरह सारे निकलेंगे, उसके बाद यह ट्रैफिक चालू होगी। काफ़ी तादाद में
मवेशियों को लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर जा रहे हैं, रास्ता तो मिल रहा नहीं है, बस हो गया, बस अपना कर रहे हैं। ये मंजर आपने पहली बार देखा है या आगे भी देखा है कभी? ये पहली बार ही देखा है। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? ये जा रहे हैं श्रीनगर, और कहाँ जाएंगे? ट्रक ड्राइवर से बात की, उसने अपने मन के भाव रखे। आइए अब पीछे चलते हैं। सर वो जब इनका जो सबसे पहले बंदा मिला था ना, उसने कहा था नियर अबाउट 1000-1200 के करीब होंगे, लेकिन ये इतने हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा ये हैं कितने। सर हमें मालूम नहीं, इनको मालूम नहीं। सर आपको मालूम नहीं है, ठीक है, आइए 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 आगे चलते हैं। सर ये कितने 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 मवेशी हैं अभी? ये मवेशी होगा कोई कम से कम को 2000। पहले एक बंदा मिला था वो कह रहे थे 1000-1200, आप कह रहे हैं अभी पीछे हो रहा है अभी माल, यानी कि टोटल कितने हैं लगभग? टोटल को 2000 होएगा सभी। 2000 में ठीक है जो ये मवेशी लेके जा रहे हैं उन्हीं के एक सदस्य पहले कह रहे थे कितने गाड़ी वाले? सर हमें पता नहीं है। आप गाड़ी वाले हैं? जी सर। मतलब गाड़ियों की रफ्तार थम गई है? बहुत कम गई है सर, बहुत जाम लग गया है पीछे। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है? जी हाँ। जो पूछते हैं इन इनसे बात करके जाओ, इनसे बात कर लो, इनका माल। सर एक बार एक बार एक बार बात कर ले। सर ये बात नहीं कर रहे हैं हमारे से। हेलो ओ भाई, ओ भाई बोल रहे पुलिस वाले भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, इनके कहने पर भी ये लोग हमसे बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं। पहले इनके एक सदस्य मिले थे जिन्होंने कोई लेटर दिखाई थी, वो कह रहे थे 1000-1200 हैं। अभी एक मिले हैं वो कह रहे हैं 2022 हैं। चलते ही जा रहे हैं मवेशी, कितने हैं अभी पूरी तादाद इनकी मालूम नहीं है। आइए पीछे चलते हैं, देखते हैं ट्रैफिक का हाल क्या है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, पेट्रोल पेट्रोल भी महंगा हो गया है। क्या कहेंगे सर ये मूवमेंट के बारे में, क्या कहेंगे भैया? एक तो यहाँ पे भी जाएंगे मतलब रास्ते में दिक्कत यही है, जाम लग जाता है कभी जहाँ तो। इस तरह की मूवमेंट देखी पहले आपने कभी? नहीं, कभी नहीं देखी भैया। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? क्या पता भैया, हमको तो यही है कि जो रोड पूरा बंद है, सब्जी लोड की है, आगे से व्यापारी किराया नहीं देगा जी। अगर पेट्रोल भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा। काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ रुक गई हैं, थम गई हैं। ये भाई साहब भी एक आए हैं। सर काफ़ी तादाद में मवेशियों को यहाँ से मूवमेंट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आया हूँ कि मुझे तो थोड़ा सा नारायणा में काम है, सो इसी के रिगार्डिंग मैं अभी देख रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं अटका हुआ यहाँ पे, एंड आई डोंट नो कि कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे अभी। ठीक है, ये देखिए मवेशियों का आना लगा हुआ है, गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। सर काफ़ी तादाद में मवेशियों को यहाँ से मूवमेंट किया जा रहा है। इनके एक सदस्य थे जिन्होंने कोई लाइटर दिखाई, कह रहे हैं कि 1000-1200 के करीब होंगे। फिर दूसरे से बात की, उसने कहा 2022 होंगे। आखिरकार है क्या ये, आपको क्या लगता है क्या मसला हो सकता है? सर रात को तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कहाँ लेके जा रहे हैं ये। सबसे पहले पुलिस का नाका लगा हुआ है। सर क्या बोले आप, इनके सोचते जो है यही है, रात को दो नंबर का भी काम करते हैं, हमें क्या पता चलता है ये क्या कर रहे हैं रात को, कहाँ लेके जा रहे हैं इतनी रात को ये। इतने इनको सुबह नहीं दिखता कि रात को क्या दिखता है इनको, मुझे समझ नहीं लगती है। ये लोग इनको कोई पूछताछ नहीं करता क्या? सर पुलिस आगे नाका है पुलिस का, चलो पुलिस कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। जी जी, वो जी जाट के अपना काम कर रही है, उनकी वो जॉब है, वो तो रात को भी खड़े हैं इनके, ठीक है ना। वो अगर गाड़ी रोक रहे हैं किस लिए रोक रहे हैं? सबकी सेफ्टी के लिए रोक रहे हैं वो, ठीक है। इनका क्या पता चलता है किधर से आ रही थे, कौन सा इनका डेरा है, कोई है डेरा इनका कोई साइड? ये कह रहे हैं कि हम आरसपुरे से आए, आगे सुनील सर भद्रवा से। अच्छा पैदल ही जाएंगे, पैदल इनके कोई खाने का सामान नहीं कुछ नहीं, ये पैदल इतना चल सकते हैं क्या? मुझे इनको बताओ, जो इनका जो डंगर साथ में लेके जा रहे क्या खाएंगे ये? पता नहीं सर, अब ये लोग यही ही बता सकते हैं, कह रहे हैं पता नहीं क्या करेंगे, नगरोटे रुकेंगे या कहाँ रुकेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही इनकी, आखिर करना क्या चाहते हैं यार? कुछ नहीं है सर, ये सब सब मिला। तो काफ़ी तादाद में आपने देखा यहाँ से मवेशियों को की मूवमेंट हुई। फिलहाल पीछे की तरफ तो कोई मवेशी नहीं दिख रहा,
और सारे मवेशी आगे की तरफ निकल गए हैं। तो अच्छा ठीक है, आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की मूवमेंट शुरू हुई है, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ इन मवेशियों के पीछे ही चलेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जम्मू नेशनल हाईवे पर ये मवेशी हैं। धीरे 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 काफी चल रही है। कौन है सर? रातों रात बहुत बड़ी मूवमेंट मवेशियों की यहाँ से की जा रही है, क्या कहेंगे सर? हमें भी समझ में नहीं आ रहा, नगरोटा से यहाँ तक कम से कम एक घंटा हमें भी हो गया गाड़ी में, तो इतना माल मवेशी अगर जा रहा है तो जा कहाँ रहा है सर? इनसे सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए, अभी वो पीछे थे मवेशी आ रहे थे, तो इनके एक कोई थे, उन्होंने हमें एक कोई लेटर दिखाई, कहता हमारे पास ऑर्डर है, वो कहते हैं कितने मवेशी हैं, कहते 1000-1200 होंगे। फिर एक और मिले, उनसे पूछा गया कि कितने हैं, वो कहते 2500 होंगे। आप भी इनको पीछे से देखते रहे, आपको क्या लगता है कितने हो सकते हैं? हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, और इतना कहाँ से आता है और कहाँ जाता है मेरी समझ में भी नहीं आता। आप ये तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जा रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रशासन के बीच में जा रहे हैं, पुलिस नाकों के क्रॉस करके जा रहे हैं। ठीक है सर। ये मूवमेंट तो चली गई, यहीं से अपना अमर सिंह हरि पैलेस के बाहर से जो पूरी मूवमेंट हुई है, तो आपने अपने सीनियर अधिकारी को बता दिया होगा या आगे भी मैसेज कर दिया होगा, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? हम क्या, जैसे आप हमारे पास पहुंचे, उसके बाद जब हमने देखा ये तो अचानक आया ना हमारे पास। अच्छा। या तो हमारे को पहले अगर तो हम पहले बता देते हमने उसको, तो हमने उसी वक्त फ़ोन करके अपने सीनियर SHO साहब को बता दिया हमारे पास। अब ये राहदारी वाले जो डेरे होते हैं, इनको मेरे हिसाब से रोकना हमारे लिए भी तो फिलहाल अर्डर कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि पैदल जो माल, हाँ गाड़ियों में अगर चोरी छपा माल आएगा तो उसको हम पकड़ते हैं। ठीक है, पर्चे और पर्चा लगाते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर चोरी गाड़ी में आएगा तो जो ये जम्मू पुलिस है 24 घंटे तत्पर है अपनी ड्यूटी पर। इनका कहना है कि गाड़ियों में अगर कोई माल लेके जाएगा तो हम उसको जाने नहीं देंगे, क्रॉस नहीं करने देंगे। ये कोई राहदारी क्या बोला आपने? ये राहदारी इनके पास गुजर बकरवालों के पास राहदारी होती है, जैसे 6 महीने के लिए डोकों में जाते हैं, 6 महीने के लिए वापस आ जाते हैं। गुजर बकरवालों के पास कोई राहदारी होती है जिसके मतलब कि ये कहीं कहीं भी मूवमेंट करते हैं। तो सारे बात आपने सुन लिया, सारा वाक्य भी आपने देख लिया। रफ्तार जम्मू देखते रहिए। जय जम्मू, जय भारत।